This is the PCCI Pod, and you're listening to, obviously, the PCCI Pod. Duh. खासकर अपार शक्ति इज लाइक मतलब वो पैदा ही साइड हीरो करने के लिए हुआ है. हाँ लाइक आप नॉट अ बैड एक्टर दो. हाँ ही इज नॉट बैड. नहीं देर डिसेंट एक्टर्स लाइक न्यू पाकिस्तान क्रिकेटर्स आरंट बैड पर लाइक समवन लाइक इवन लाइक सुशांत सिंह जो वो आप उसको देखते थे वो कभी कभी उसमें वो स्टार वाली फीलिंग नहीं आती थी कि आप देखो आपको यार क्या बंदा है लाइक देख के फट जाए. आप कहते थे हाँ अच्छा मेरा एक है. उस पे थियरी है कि मुझे नहीं लगता है कि अभी वो अमिताभ और शाहरुख लेवल का जो फैंडम है अब हो पाएगा ऐसा. एटलीस्ट पता नहीं हमारे लिए तो डेफिनेटली नहीं होगा और पॉसिबली सो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि बिकॉज डेमोक्रेटाइज हो गया. एग्जैक्टली ओटीटी की वजह से देयर आर मेनी ऑप्शंस नाउ. तो पहले क्या था कि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप watching a movie we had only few options wo bhi rural urban aur wo sab mein split ho jata tha na ki shahrukh ka movie agar aaya to har koi dekhta hai jaake waisa hota tha. I don't think that is any longer possible even in cricket. I don't think kohli ka kabhi wo stardom aa sakta hai jo sachin ka tha in that sense ya dhoni ka bhi tha. Haan, to an extent. Haan, you're right because now even cricket is not that monopolized commodity right india mein. Even like generally in general, like stardom, के आप Instagram पे जाओ कोई फालतू सा टीवी का साइड एक्टर होगा उसके भी 4 million फॉलोअर्स होंगे. तो इट्स लाइक टिकटॉक के लोगों का. हाँ एवरीवन इज एबल टू क्रिएट दैट स्पेस फॉर देमसेल्फ्स. तो पहले तो था ना कि वसीम भाई जो थे वो वसीम भाई वाज लाइक फकिंग गॉड इन द 90s. वसीम शोएब अख्तर ये सारे. लेकिन अब इस एरा में शायद उनका वो क्रेज ना होता लाइक जो पहले होता था. पर एनीवे भाई आज अभी तो लतीफ और डॉक्टर साहब का क्रेज है यार उनका क्रेज. चलो अभी स्टार्टिंग करो. वो सिर्फ इंडियंस देखते हैं उन्हें पाकिस्तान में कोई नहीं देखता. सो वेलकम फोक्स टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ पीसीसीआई. आज हमारा राज अपनी सिमरन के साथ बिजी है तो दिस इज निशांत. And that was Aditya doing SRK. And we also have Umair, who you have heard before on the pod. He's a friend of the pod. So actually, Test cricket is back. And more importantly, Test cricket in England is back. So we thought that we'll just talk a little bit about it. Question is this, ki agar ye Test cricket in England mein nahi hota, UAE mein shuru hota, to kya hum itna await? Which is a very good question. Yes. Start off with. या इंडिया में होता फॉर दैट मैटर. आई थिंक अगर यूएई में होता तो वी वुड हैव बीन हिटिंग द स्नूज बटन ऑल द टाइम क्योंकि मिसबा कैप्टन होता और पाकिस्तान 100 बॉलों पे 20 रन करता और इट वुड हैव बीन पेनफुल टू वॉच. वैसे इट इज लाइकली कि ये सर आईपीएल वही होने वाला है तो pitches are slow and low like entertain नहीं होगे आप फिर like IPL की entertainment नहीं होगी फिर like crowds होंगे ठीक है लेकिन 140 होगा पार स्कोर और 160 टीम कर लेगी तो लोग कहेंगे चलो जी मैच तो अब हम जीत गए तो दैट वोंट बी फन टू वॉच. या दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एक सीजन हुआ था ना थोड़ा सा जो मैक्स ओनली थिंग टाइम मैक्सवेल एक्चुअली प्रूव्ड हिज वर्थ इन इंडिया. मैक्सवेल जब से दुबई से निकला तब से रन नहीं बनाया उसने. तो बट यूएई दैट रिमाइंड्स मी ऑफ शारजा में जब शारजा तक विकेट्स ठीक था जब 90s में भी होता था. इट वॉज नॉट वेरी बैड बट यू रिमेम्बर अबूधाबी में पहली बार एक सीरीज हुआ था व्हेन दैट स्टेडियम वाज बीइंग इनॉग्रेटेड एक इंडिया पाकिस्तान का एक पॉइंटलेस 2-match सीरीज हुआ था दो दिन बैक. हाँ दिस इज लाइक 2006 ये इंजमाम और राहुल द्रविड कैप्टन था उस टाइम पे. दैट वाज सच अ पेनफुल गेम. मतलब पहला वाला जो गेम था ना वेणुगोपाल राव ने कुछ ऐसे 200 बॉल पे 60 ऐसे
मतलब 200 बॉल नहीं खेला उसने बट इट स्टिल फील इट फील्स लाइक ही स्टिल बैटिंग. अगले मैच में वन ऑल हुआ था वो सीरीज बट द मोस्ट पेनफुल वन डे क्रिकेट दैट आई हैव सीन. ओके इट वाज डीएलएफ कप अपेरेंटली. मतलब या आई जस्ट गूगल्ड. सेकंड मैच में कुछ 200-250 रन हुआ होगा. इरफान ने इसका अफरीदी का विकेट निकाला था. हां फर्स्ट मैच इंडिया 269 फॉर 5 पाकिस्तान. इंडिया 269 इंडिया 269 तो नहीं बनाया होगा यार. यार वो सेकंड मैच होगा. नहीं नहीं सेकंड मैच में इंडिया 197 ऑल आउट एंड पाकिस्तान चेज्ड इट डाउन इजीली. फर्स्ट मैच में इंडिया 269 फॉर 5 यार वेणुगोपाल राव तो दिख ही नहीं रहा इसमें. द्रविड कैप्टन तो सेकंड मैच में होगा फिर. हाँ उल्टा हो गया होगा. हाँ कॉम्बिनेशन. नहीं हाँ सेकंड ओडीआई आया था. आई थिंक यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ओडीआई. हाँ सेकंड 90 बॉल्स में 61 या हाँ हाँ ये वही वाला मैच वेणुगोपाल राव. यार पेनफुल मैचेस. मतलब 200 अबू धाबी हैज दैट सिग्नेचर. ओ अबू धाबी लाइक मिसबा. बट लाइक वन लास्ट थिंग मिसबा मास्टर्ड द फकिंग यूएई लाइक एनीवन एल्स. So yeah, so देखा तुम लोगों ने. मतलब have you followed, how have you been following? अभी तो सब घर से ही काम कर रहे हैं तो I mean it's good. Like I'm following it more than I would if I was going to work, so which is good. अच्छा लगा right from the start with what you know starting with all the taking the knee और वो उसके बाद. Day one was more about everything outside of the cricket than the cricket, yeah, right? And English weather. The day before when I was looking ahead to कि अच्छा पहला दिन होगा टेस्ट मैच का, दिमाग में ये भी चल रहा था कि ये टिपिकली ये होने वाला ही है कि अगले दिन सुबह उठ के देखो और इंग्लैंड में बारिश होती. क्योंकि ये पिछले साल का थ्रोबैक था इन एनी केस. मतलब एक पूरा हफ्ता था ना वर्ल्ड कप में जो विच वॉज वेरी डिप्रेसिंग. लाइक एवरी मॉर्निंग यू वुड वेक अप 5:30 को यार बारिश हो रहा है वैसा वाला. दैट वॉज देयर. बट चलो माइकल होल्डिंग का मोनोलॉग मोर देन मेड अप फॉर दैट इन एनी केस. That particular day. So, Umair, yeah, were you following? What did you think? Like, itne dino baad. Yar, yahan pe to raat ke 8 baje start hota hai match England ka. Acha, England mein ho raha hai to yeah. Haan, to yahan pe like the good thing is ke even if you're out, you come home at like 10. वैसे घर से काम ही हो रहा होता है लेकिन 8 बजे तक तो ऑफिस खत्म हो चुका होता है. तो 8 बजे के बाद लाइक आप आराम से आफ्टर डिनर लाइक देख सकते थे. आई वाज डिसअपॉइंटेड विद द फर्स्ट डे कि बारिश हो गई. मैंने कहा यार अब अगले 4 दिन बारिश हो सारी एक्साइटमेंट ना मर जाए. पर लाइक आफ्टर ऑन द सेकेंड डे इट वॉज अ लॉट ऑफ फन टू वॉच. स्पेशली लाइक द वेस्ट इंडीज बोलिंग अटैक. इट जस्ट इट वॉज लाइक आई हैव सो मच टू से अबाउट वेस्ट इंडीज. या Yeah, like Shannon Gabriel, Holder, and what's the third guy? Like Kemar Roach. It was just Roach, so much fun to Roach watch was them. Bowling well, yeah. They were like really, really good. The reason this is watchable without the crowd and stuff like that is the fact that fast bowling heavy test match ho raha hai. That is what makes it very watchable. Matlab every other externality agar hata bhi do ye match mein se, it doesn't really feel like कुछ ऐसे ऑड कोई टेस्ट मैच हो रहा है वैसे एटलीस्ट टिल नाउ. हाँ मतलब ऑब्वियसली वील टेंजेंट पे तो हम नहीं जाएंगे ऐसा हो नहीं सकता. मैं बोल रहा था कि लाइक लेट्स जस्ट. तो सबसे पहले तो ये बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट लिटिल मर्मर बीइंग एडेड टू द कमेंट्री फीड. क्योंकि ये दे डिड इट विद फुटबॉल आल्सो. बट दे डिडंट डू अ मर्मर विद फुटबॉल ना. दे वेंट ऑल आउट विद द क्राउड नॉइस. हां हां या बट या व्हिच इज आई मीन आई वॉच्ड द हाइलाइट्स ऑफ द फाइनल. आई एम नॉट अ लिवरपूल फैन और एनीथिंग. आई जस्ट वांटेड टू सी कि मतलब दिल लगता कैसा है. सो इट्स जस्ट कि उसमें ना मतलब जैसे ऑब्वियसली लाइव क्राउड विल increase the tempo and all those things like when something exciting is happening. But wo nahi ho raha tha usme. So I was not sure ki ye cricket mein karenge bhi kaise. Nahin, but so, they were still doing it na. Football mein at least goal mouth action ho raha tha. So they were increasing the tempo. Someone was doing it at some point. Ek had match maine dekha where they were trying it. Haan. Okay. But of course cricket mein toh they are not even trying that. Haan. It's not possible na. Cricket mein a leaf can be as exciting as वो सब नहीं कर सकते ना. मतलब यू हैव टू डू इट एवरी अदर बॉल. यू कांट डू दैट राइट. सो ओके सो व्हाट वर योर फीलिंग्स. लेट्स स्टार्ट विद उमर फर्स्ट एंड देन लेट्स गो टू अदर.
I really liked it because, again, like as someone who's watched cricket in UAE for like so many years or khali ground or like depressing test matches chal rahe hote the, तो मैंने कहा भाई जो मर्जी आवाज डाल दो बस कुछ तो जान डालो ना. लाइक आई विश के पाकिस्तान ने किया होता यूएई में और थोड़ी सी मर्मर्स डाल दिए होते क्योंकि क्राउड तो आता नहीं था वहां पर. पर मेरे लिए एक डिस्टिंक्शन है, लाइक जब आप फुटबॉल देख रहे होते हो तो यू इवन इफ यू आर लुकिंग एट द पिच लाइक यू कैन ऑल्सो सी द स्टैंड्स. जब आप क्रिकेट देख रहे होते हो लाइक बॉलर बॉलिंग टू बैट्समैन यू कांट रियली सी द स्टैंड्स व्हेन द बॉल इज डिलीवर्ड, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ नुआंस के उस मर्मर से जरा लाइक उसका इफेक्ट, आई फेल्ट द इफेक्ट वाज बेटर देन व्हाट वाज इन फुटबॉल. हाँ, बिकॉज इन फुटबॉल यू कैन सी कि कोई है नहीं लेकिन आवाज आ रही है. हाँ, जारिंग लगता है ज्यादा. क्रिकेट में आपको बस आवाज आ रही होती है, लाइक यू कांट सी द पीपल. लेट्स सी के आगे ये और क्या क्या डालते हैं. शायद थोड़ा सा क्राउड नॉइज और थोड़ी स्लेजिंग, लाइक क्राउड से कोई कह रहा है ओए मोरे ध्यान से पकड़. वो तो इंडिया में होगा. The other hypothetical scenario I was thinking of was अगर ये इंडिया में रिज्यूम होता है तो what sort of crowd noises would have कि हम लोग मुझे लगता है फुल ब्लोन ऐसे चिल्ला रहा है वही वाला डाल देते हैं, ईडन गार्डन्स वाला क्राउड डाल देते हैं. और वनडे चल रहा हो कि टेस्ट मैच चल रहा हो आईपीएल वाली पुंगी जरूर बजती है. हां पे 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 वो वाला बजाते थे. बट इट सूटेड एक्चुअली वो दैट सिग्नेचर लॉर्ड्स हम जो लोग बोलते हैं ना दैट सिग्नेचर ऑफ अ फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ अ टेस्ट मैच इन इंग्लैंड. तो इट सूट्स वेल इन दैट सेंस. अभी मैं हाइलाइट्स में भी देख रहा था कि जो प्री मैच जो भी है वो हडल वगैरह टीम का उस टाइम पे भी इट फेल्ट लाइक डे वन ऑफ अ टेस्ट मैच वाला आवाज आ रहा है और वो इतना नेट. तो इट डजंट फील वेरी जारिंग. इफ दे हैड चोजन एनीथिंग मोर देन दैट देन इट फेल्ट ऑड. जैसे यूएई में टेस्ट मैच हो रहा है और आप लगा दो समझो एमसीजी का बॉक्सिंग लेटेस्ट का क्राउड नॉइज. नो सो मेरे लिए आई थिंक इट वाज न्यू, इट वाज नॉट बैड. मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वियर्ड होगा बट इट वाज डीसेंट. ऑफ कोर्स मतलब दैट एक्साइटमेंट ऑफ यू नो विकेट गिरना अच्छी फील्डिंग देयर वाज नो एप्रिसिएशन. वो थोड़ा सा जैसे आज हां शे होप का जो विकेट था ना डॉम्बिस का अगेंस्ट तो इट फेल्ट अ लिटिल ऑड एट दैट पॉइंट कि यार ये विकेट है भी या मतलब व्हाई इज इट फीलिंग सो हॉलो. कि दे वर ऑल सेलिब्रेटिंग एंड नासिर हुसैन कमेंट्री में था बट somehow that reaction didn't feel like acha wicket gira hai matlab especially a wicket which falls after such a ek longish partnership to thoda crowd response is different hota hai na uske liye wo thoda hollow lagta hai. But imagine the biggest loss of this would come, I think it's a very rare case scenario, but imagine something like ashes ka edge paston wala kuch ho raha hota khali stadium. Ha. Mean I don't know, wo ho bhi nahi pata shayad like that whole whether atmosphere. You will be able to lift yourself as exactly ha. वो लग रहा था कि वो इतने प्रेशर में नहीं है और लाइक इतने पंप्ड अप नहीं लग रहे थे क्या. लाइक व्हाट डू यू गाइस थिंक. आई डोंट सो मतलब मैंने भी बस मोस्टली आई हैव सीन फ्रॉम हाइलाइट्स. एक तो ये इंग्लैंड के जो अदर मतलब एक तो रूट नहीं है एंड इफ यू टेक आउट स्टोक्स वो बैटिंग लाइनअप वैसे ही कोई मोटिवेशन आता नहीं देख के मुझे. वो बर्न्स और सिबली तो वैसे भी मतलब 90s इंग्लैंड है वो बेसिकली. आई वॉच्ड अ बिट ऑफ हाइलाइट्स जिसमें ये इस इनके जो शेन डॉविच ने जो डॉविच ने जो 50 बनाई थी तो he was looking quite aggressive. Blackwood bhi jaldi out ho gaya tha. He was trying to play his strokes. In fact, West Indies in general looked more up for this test match even till now, right? Yeah, so far. Yeah, England ko dekh ke I definitely felt jo Umar bol raha hai ki it's but maybe it's just their batting style, the top three. Nahin, and it's also that England are the ones who are more used to playing in front of crowds or yes, na. West Indies ke liye to ye second nature hai. And West Indies also had a lot of other background stuff going on. Like they are the side who has flown in. Fir 15-20 din ka acclimatization time bhi mil gaya, jo aaj ke zamane mein milta nahi hai. In any foreign tour, you don't really get that
that longer time na these days. इस हिसाब से पाकिस्तान को तो 3-0 white wash कर देना चाहिए, वो तो पहुंच चुके हैं. The only difference being कि पाकिस्तान जब तक पहुंचेगा तब तक इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैच खेला होगा. हाँ तो वो भी acclimatize हो चुके होंगे. बड़ी वो भी तो बड़ी पिटाई होनी है. This is basically at the moment you have like it's essentially England के लिए भी ये alien conditions ही है. But one thing I'd like to add, one small thing I'd like to add is ke Pakistan ki batting is definitely better than both England and West Indies right now. Okay. So this is again good that you bring this up because mujhe main bhi wahi soch raha tha because jab abhi there was no cricket going on, so obviously we all watched a lot of highlights and purane matches bhi, naye matches bhi. So since you bring up Pakistani batsmen, for some reason I'm starting to feel ki because of the way this especially England cricket, Australian cricket, India to khair bhool jao because I just follow them to matlab unki highlights mein dekh leta hu, and West Indies cricket somehow inke YouTube channels jis tarah se handle hote hain uski wajah se I have started following these teams more. Aur mujhe West Indies ke bare mein like all these 11 players kafi naye log bhi hain isme, but somehow I knew ki okay ye iska stance aisa hai and he plays like that. Pakistan mein I don't quite get that feeling. I don't know if I am of having watched them enough, exactly, na? Haan, and if so if I'm not they are not being marketed as these guys are doing, or they you know or I'm just missing them somehow, pata nahi mujhe. So jo I mean we can probably get it towards the end ki matlab so yeah I mean basically on what basis are you saying ki unki batting achhi hai? Mere paas koi context nahi hai like because somehow I have not watched them like other than Babar Azam or Azhar Ali ke alawa I can't even recognize ki koi you know solid test match batsman Pakistan. Oh acha, so basically Shaan Masood hamara jo opener hai left handed, he averages I think around like late 40s in the last 2 years. He's averaged like 40 something and he scored in like Australia, home ground pe bhi centuries, like he scored everywhere he's gone, like South Africa maybe he got us like good decent starts. Shaan Masood is pretty good. The other opener I can't even recall who the other opener is. Azhar Ali opens abhi karta hai na? Azhar Ali nahi karta. Haan, Azhar Ali open karta hai ya one down? Azhar Ali one down pe aata hai most probably, I think. Oh, oh Abid okay. Ali. Sorry. Yeah, Abid Ali is the other opener. Abid Ali. Huh. And Abid Ali averages like 106 in test matches. Like he scored like 2 centuries in his first 3 games. And he's a good player. Oh, like, yeah. I remember solid... reading about. Yeah. I remember reading about. Yeah. Mm-hmm. He's a solid opening batsman. Like Imam Shumam se better hai. Imam Fakhar Zaman se. Like even ODIs maybe he has a. He bats at a fucking strike rate. Fakhar toh main ab. इंडियन से कहूंगा तो वो खुश हो जाएंगे क्योंकि बी यू नो व्हाई. तो नहीं नहीं द बोगी ऑफ फखर वाज लिफ्टेड जब वो ऐसे दुबई में वो एशिया कप में ऐसे डाउन दे रहा कि गिर नीचे गिर गया और स्टंप हो गया. मुझे तो बोगी भी नहीं था यार, ही वाज क्या दो मतलब ही जस्ट गॉट लकी देयर. ही वही तो था ना, नो बॉल पे तो आउट हुआ था, सो इट वाजंट या हां. तो आबिद अली शान मसूद आर गुड ओपनर्स, ठीक है. वन डाउन पे अजहर अली इज गुड. फिर बाबर आजम लाइक वी नो लाइक टॉप 4 आई थिंक हमारे बहुत अच्छे हैं. फिर नंबर 5 पे असद शफीक थोड़ा स्ट्रगल करता है लेकिन असद शफीक 50-60 कर जाता है. सस्ता रहाणे तो मैं नहीं कहूंगा ज्यादा, मुझे सस्ता वो स्टीव वो एक्चुअली लाइक आई गेट दिस फीलिंग फ्रॉम हिम. आई वुड से देयर इज ओनली वन असद शफीक. I would say there's only one Asad Shafiq, and once he retires, there's not going to be another Asad Shafiq. But एक ही है. यार मैं सस्ता रहने इसलिए बोलता हूँ ना Asad Shafiq को, क्योंकि वो overseas runs बना लेता है. तो I have seen him score runs in England, Australia में almost एक test match जिता दिया था उसने. हाँ, South Africa में भी 100 मारा. 490 or something ridiculous, right? साउथ अफ्रीका में मारा था, तो इसीलिए सस्ता रहने रेट हिम बिकॉज़ वो ओवरसीज बना लेता है. फिर वो सस्ता रहने रहने ही हो गया मतलब. अरे रहने कौन सा लाइक कोहली है, रहने भी रहने ही है. एग्जैक्टली. बट एनीवे व्हाट यू गाइस शुड लुक फॉरवर्ड टू इज देयर इज अ न्यू नंबर 6 पॉसिबली. हिज नेम इज फवाद आलम, एंड फवाद आलम हैज वन ऑफ द हाईएस्ट
one of the highest first class averages in history. He has 12,000 first class runs. So he is, and he, And basically, बहुत late debut हो रहा है उसका. नहीं नहीं फवाद आलम को तो मैं बहुत साल पहले देखा है एशिया कप में खेला डेब्यू हुआ था डेब्यू हुआ था एंड ही स्कोर्ड अ सेंचुरी ऑन डेब्यू एज एन ओपनर पर हुआ ये कि पॉलिटिक्स की वजह से ना उसको 7-8 साल से फारिग किया हुआ है तो ही इज गोइंग टू बी वेरी हंग्री बिकॉज ये उसका लास्ट चांस होगा अगर उसकी जगह ना बनी तो हारिस सोहेल वो डज ही स्टिल बोल उसका लेफ्ट आर्म स्पिन नहीं आई डोंट थिंक सो पर एज अ बैट्समैन ही स्टिल स्कोर्स लाइक अ लॉट ऑफ रन्स विद दैट साइमन कैटिच टेक्निक ही इज ऑलमोस्ट 35 या ही इज ऑलमोस्ट 35 हां तो लास्ट चांस है गुड तो बैटिंग हमारी इज काफी स्टेबल है कमिंग इनटू द सीरीज आई थिंक अमंग ऑल द थ्री साइड्स दैट वी विल वॉच इन दिस इंग्लिश समर आई थिंक इंग्लैंड हैव द वीकेस्ट बैटिंग लाइनअप ओह या डेफिनेटली आई मीन आर्ग्यूएबली इवन क्योंकि वेस्ट इंडीज के साथ भी ना See, Brathwaite tends to like grind it out and uske paas wo temperament hai. Hope. On potential, Shea Hope is possibly a superstar in the making. On potential. Yeah. Skills to hai uske paas. And Chase and Dowridge and Holder are all like... Chase is a sasta rahane, I would say. Chase bana leta hai. Haan, woi struggle karke bana leta hai. The only thing is ki Hetmyer agar hota hai 11 mein to it might have been more exciting to watch. Hetmyer and Bravo would have occupied those spots na. Shamar. In fact, Brooks himself, I was quite impressed with the way he batted today. Yeah, he was looking good. Matlab, he also has 100 against Afghanistan, Lucknow mein. That is what I noticed. Did anyone of you process ki wo series hua bhi tha? West Indies or Afghanistan? They played in Lucknow and Dehradun mein ODIs wagera bhi khele the. I heard Ian Bishop speak about Brooks yesterday on a Sky Sports hai kisi ka to podcast pe. So he mentioned ki he's a really good player of spin. Aise karke. So Rashid Khan ke khilaf bahut matlab a very hard fought 100 banaya usne karke. So overall, like I was very impressed with West Indies was very un-West Indies like in this test match so far. At least with the bat. Ki thoda bahut resolve to dikhaya ki ek din batting karna hai. Wo wala. Yeah, yeah, yeah. Aur mujhe England ka thoda sa wo samajh mein nahi aaya ki all of a sudden why is broad being matlab uske bare mein articles bhi likhne lage hain log ki beginning of the end and all those things pace is pace yaar mein gaye na wo log kyunki wood aur archer dono tha unke paas 11 mein yaar wood first of all na like archer when he's banging in those 145 150s वो सीमलेस लगता है लाइक इट लुक्स ब्यूटीफुल वुड वुड बहुत एफर्ट मारता है एंड अदर देन पेस आई डोंट सी एनी बट वुड का है ना वुड आल्सो बॉल्स अ लॉट फुलर यार मतलब यू वुड का यॉर्कर्स काफी अच्छा है मतलब ही इज नॉट वेरी इंग्लिश इन दैट सेंस बट हां ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया तो दे आल्सो हैड लाइक वोक्स एंड इट्स नॉट लाइक यू आर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया वेयर यू नीड एक्स्ट्रा पेस और समथिंग It's proper, अच्छी खासी conditions हैं, which are helping. I don't know. ये wicket भी थोड़ा थका हुआ नहीं लग रहा था, मतलब from what I've seen. I don't know. मतलब the conditions. थका हुआ in the sense like bounce के हिसाब से. So you have had so many LBWs go the bowler's way, ना? West Indies almost had 5 overturned reviews, batting और bowling दोनों में मिला के so far. And almost every DRS LBW appeal that I have seen has all the balls have been hitting the stumps, even like middle of the wicket. Mein koi bhi aise bounce pe upar nahi ja raha tha. It's also like maybe I don't know. Next 2 days mein agar it's also like Stuart Broad ne to kal ek koi press conference press release bhi nikala hai, jisme usne kaha hai ki what the fuck, like mujhe kyun drop kiya? And the entire purpose of bringing in pace seems to be defeated because of the pitch. Pitch jo hai. Like England के highest, England के 7 विकेट Stokes और Anderson ने लिए, 2 Best ने लिए, तो Archer and Wood ended up like pace isn't really important on this pitch it seems. It's more about seam and swing. In fact, they went for runs actually. Yeah, yeah, and look at Holder now, 130 is like just typical medium pace. He took 6 wickets. Holder is like a few kilometers faster than Abbas.
लाइक आई थिंक लाइक 5 किलोमीटर ज्यादा तेज पेस है होल्डर की। हार्दिक पांड्या से स्लो है वो बेसिकली। हाँ हाँ भाई पांड्या एक्चुअली व्हेन ही एक्चुअली पांड्या 140 मारता है एक्चुअली अगर उसका मूड हो तो। या अगर वो करके आया हो तो मारता है तीनों को एक ही जोक एक ही टाइम पे आ रहा है। पांड्या का फाइफर है ना इंग्लैंड में, दैट जस्ट रैंडमली रिमाइंड्स मी। हां पांड्या इज अ फाइफर। या पांड्या इज अ फाइफर इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड का इतना गरीब बैटिंग लाइनअप है ना कि पीपल डोंट नोटिस दिस बिकॉज दे आर इंग्लैंड, नो वन नोटिसेस इट। पिछले 3 साल में रिकॉर्ड उठा के देख लो टेस्ट क्रिकेट, बिकॉज इंग्लैंड हैव हैड अ वेरी गुड वनडे क्रिकेट फेज, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका बैटिंग देख लो, इवन व्हेन इंडिया टोल्ड राइट दे वर 84-7 94-7 इन दैट सीरीज। फिर वेस्ट इंडीज में गए 70-80 ऑल आउट हुए एक बार, दो टेस्ट मैच तो वहां पे भी हारे। बांग्लादेश में एक सेशन में 9 या 10 विकेट गिरा उनका, वो देयर इज अ टेस्ट मैच दे लॉस्ट। सो देयर हैव बीन सो मेनी टेस्ट मैचेस वेयर दे लूज लाइक 7 विकेट्स इन अ सेशन। आयरलैंड के साथ 70-80 ऑल आउट हुए भाई वो लोग। हां 90 समथिंग ऑल आउट। या जैक लीच ने एग्जैक्टली 1 ईयर अगो। सो इंग्लैंड आई थिंक सबसे फ्रीक्वेंटली अगर मैंने किसी साइड को लेस देन 150 बोल्ड आउट होते हुए देखा, एंड आई डोंट हैव लाइक क्रिक इन्फो स्टैट्स फॉर दिस, बट आई थिंक इंग्लैंड अमंग ऑल द टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैव हैड द वर्स्ट बैटिंग रिकॉर्ड। या या इन फैक्ट ड्यूरिंग द टेस्ट मैच एट सम पॉइंट आई डू रिमेंबर सीइंग कुछ तो स्टैट्स दिखाए थे उन्होंने कि द मोस्ट नंबर ऑफ कोलैप्सेस बाय टीम। वो जो पांड्या का फाइफर है ना उसमें भी उनका एक सेशन में 9 विकेट गिरा। हाँ हाँ या दे समथिंग रिडिकुलस एंड दे कीप डूइंग इट वेरी ऑफन। कल भी तो पहले सेशन में 5 विकेट ऑलमोस्ट गिर गया था उनका। तो दे कीप डूइंग, आई डोंट नो लाइक वेदर देयर इज नो बैटिंग टैलेंट इन इंग्लैंड आउटसाइड ऑफ दीस फाइव। नो सो आई वाज एक्चुअली लिसनिंग टू वो पोलाइट इंक्वायरीज में जॉर्ज डेविल वाज सेइंग कि so somebody asked a very good question ki jo unka chief selector hai ed smith sunte ki why does he dress like a bond villain wo bond main exactly wahi bolne wala tha ki bond villain ki tarah dikh so yeah so actually he said George Dobell said that he is a very very arrogant man and all these selections are basically just because he wants to prove ki he is right, matlab wo hai na ki he is just going to power through it ki bhai maine pick kar liye hai to main stick karunga aur yahi hai. Because I don't follow county cricket obviously, but Dobell mentioned like 5 or 6 names jo ye chalo Burns ne to Ashes mein Australia mein bhi sorry I mean last Ashes mein he did some he made a century and all, but ye Denly, Sibley, he is Keaton Jennings iske pehle, yeah Crawley ye, so he was like ki nahi inse kafi better batsman. नाम भी काफी इंग्लिश नहीं है, मतलब क्लासिक इंग्लिश नाम सिबली क्रॉली डेनली। नीचे अगर डब्ल्यू डब्ल्यू बॉलर्स होते थे ये डब्ल्यू डब्ल्यू बैट्समैन है, ओली पोप स्टोक्स ये अगर मिडिल ऑर्डर होता स्टोक्स या ओली पोप। ओली पोप ऑल्दो आई वुड से कि ओली पोप हैज अ बिट ऑफ इयन बेल इन हिम। हां ही लुक्स ही एक्चुअली लुक्स लाइक अ गुड प्रोस्पेक्ट can and even root of late has off gone off the boil na pichle 3 saal se jo root has not been in that league. Root actually is like the upgraded Raina hai na, wo jaise Raina one day mein 30 35 was his limit. Tough situation hogi to 60 ball mein 35, agar accelerate kar raha hai to 15 ball mein 35 but 35 so same with root 55 that's it 55-60 बस। और वो कैसे भी आउट हो सकता है, मतलब 55-60 के बाद वो ऑफ स्पिनर को कवर ड्राइव करके स्लिप में आउट हो जाएगा, मतलब he is definitely far behind Smith, Kohli, Williamson, and I would say even Babar Azam now. लंबुशाने अरे हाँ दहीज तो ब्रैडमैनेस्क है वो तो नहीं नहीं बट मेरा एक प्रेडिक्शन है कि लंबुशाना इवेंचुअली विल बी फाउंड आउट यार। अब तक उसने आई डोंट थिंक वो उतना भी टेस्ट मैच खेला है उसने और वो अटैक और ऑस्ट्रेलिया में फिर लाइक पिचेस आरंट दैट टफ, ऑस्ट्रेलियन पिचेस आर लाइक द वर्स्ट फॉर बॉलर्स, तो लंबुशाने लाइक प्लेइंग एट हिज ऑस्ट्रेलियन पिचेस आर लाइक फैजलाबाद यार अभी सही में बिल्कुल इसलिए शुक्र है फैजलाबाद में मैचेस नहीं होते। No man, but somehow like, their bowlers are able to, but their bowlers are able to perform. But कहाँ? यार अभी न्यूजीलैंड को पुजारा ने तो रुला दिया था यार, पुजारा आउट नहीं हो रहा था, मतलब 15-20 दिन बैटिंग किया है उसने। Yeah, but पुजारा is a very good batsman, but बाकी yeah, but even in that series you see ना क्लार्क और हेजलवुड का कुछ नहीं चला उस सीरीज में, स्टार्क और हेजलवुड का। तो पाकिस्तान collapsed or New Zealand were very lackluster, I don't know New Zealand ke dusre test mein to they had like 8 people who were sick, so that's not
But wickets are like, as Umair said, Pakistani, Australian wickets, I think, probably are the fastest. Yeah, they are. They are, definitely. Yeah. They are UAE with pace. Exactly. UAE ke wickets with a little bit more pace. Okay, now, on pe medium pace chalte hain. Like someone like Abbas, or like, even I think someone like Holder might not do well over there. Because medium pace, so to you don't end up doing a good job because bakwas flat wicket hai. Pace is like something that comes in really handy in Australia. See, I am not very sure ki Ishan Sharma will work. Although he is bowling very well. But In Australia, he did well. He did well. But I'm saying like, abhi is bar agar jayega aur Steve Smith aur Lambu Shane ke khilaf. That would be nice actually. Huh? See, even Warner bhi. I'm going a little like astray, par jab bhi India Australia tour karta hai, to hamesha Australia ki koi like bakwas si team khel rahi hoti hai. Like, it's good. basically, like, I was listening to an Amar Naqvi podcast and he said ke they felt like the porn star versions of their superstars. Brad Williams khel raha hai, like Jackson Bird and like fuck all. Or like Pakistan foreign 6 mahine baad jayega to ye sare Vaughan, McGrath, Kasparovics sab fit and pumping honge. Wo jo series ke bare mein उस सीरीज के बारे में जो एमर ने बोला था ना, आई थिंक दैट वाज इमीडिएटली आफ्टर वॉन का डोपिंग बैन हुआ था. एग्जैक्टली दैट वाज द सेम ईयर, राइट? नहीं, इवन व्हेन इंडिया वेंट, नो, बट आई थिंक अभी लास्ट टू टूर्स, हां, लास्ट ईयर तो देयर वाज स्टार्क, देयर वाज हेजलवुड, देयर वाज बट बैटिंग में ये वॉर्नर और ये थे. और वॉर्नर के आई थिंक 70% रन्स तो ऑस्ट्रेलिया में बने हुए हैं, लाइक स्पेशली इन टेस्ट मैचेस. यू आर राइट मैन. नो यू आर राइट, बिकॉज इंडिया के जस्ट बाद पाकिस्तान गई एंड ट्रिपल सेंचुरी. हाँ, भैंसो वॉर्नर स्मिथ का जरूरत भी नहीं. स्मिथ वाजंट इवन नीडेड उसके बाद. एंड इट्स लाइक मैं वो सीरीज देखता था इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली, तो उस्मान ख्वाजा, टिम पेन, Marcus Harris, all these like guys, they were struggling. Aur Pakistan aya to Labu Shane, Travis Head, Labu Shane, Warner, Smith, everyone is fucking smashing centuries or like gaand maar di na ke pakad ke 6 mahine baad. Yasir Shah ne 100 banaya us series. Oh, right. If you need any more proof to show that Australian wickets are flat, wo dekho. Yasir Shah ka 100 us series. Yeah, exactly. So that goes on. But this brings me to this thing ki, one thing I'm really excited to, like, the one reason I'm really excited about Test cricket of late is almost every team has a good pace attack now. Oh yeah. ये सीरीज भी इसीलिए वॉचेबल है क्योंकि इट इज वेरी पेस हेवी. एंड वेस्ट इंडीज को तो क्रेडिट मिलता ही नहीं है एक्चुअली. पिछले 3 साल का जो वेस्ट इंडीज है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट टू दी मरा हुआ जो वेस्ट इंडीज का जो परसेप्शन बन गया है ना हमारे दिमाग में मिड 2000 से. दिस वेस्ट इंडीज ओवरऑल टेस्ट साइड इज नॉट दैट एक्चुअली. इवन एट होम देयर इज अ लॉट ऑफ विकेट्स फॉर पेस इन द कैरिबियन नाउ. तो बट वो जनरल परसेप्शन है और क्रिकेट मीडिया भी नहीं कवर करता है ना. दे ऑल प्ले बाय द परसेप्शन. जेसन होल्डर इज रैंक 1 ऑलराउंडर. वो शायद बॉलर्स में भी टॉप 10 में होगा, बट ही इज नॉट टॉक्ड अबाउट एज मच एज एनीवन. मतलब इवन पांड्या को लोग ज्यादा वो करते हैं भाई. आई डोंट, मिचेल मार्श को याद कर लेते हैं. हां, एग्जैक्टली, व्हिच इज जस्ट सैड व्हेन ही एवरेजेस लेस देन 15 इन लास्ट 2-3 इयर्स में. And those 10 test matches, last 10 test matches, he averages some 12 or something. Most of the test matches have been against India, England ke saath 2 series. It's not as if kuch bhi matlab kahin pe bhi nikal diya hai wicket. And he had 50s and double hundreds in there. In there. So, general perception in cricket na, matlab, the thing is ki a lot of the cricket writers also, they are very lazy and they don't bother to watch cricket in the Caribbean, for example. Even an English commentator, for instance, वो लोग करिबियन क्रिकेट तब देखते हैं जब वेस्ट इंडीज इंग्लैंड आ रहा हो या वाइस वर्सा, व्हेन इंग्लैंड इज टूरिंग वेस्ट. एंड सडनली ऐसे होता है कि यार होल्डर ने विकेट निकाल लिया, अल्जारी जोसेफ फास्ट डाल रहा है. मतलब दिस इज हाउ द परसेप्शन गेम वर्क्स. तो इवन टुडे दिस थिंग इज लाइक, ये पेस अटैक पिछले 4 साल से है इनके पास. इट्स नॉट एज इफ दे शोड अप टुडे. एंड
they are averaging some 20 or something in the last 15-20 test matches. All these bowlers, I think it, this pack, everyone ka, they see holder to alag hi league mein nikal gaya abhi. All the others are also, their averages are less than 30. Matlab overall career averages, in fact. Or last 3 years, mein to obviously they've been just way too much. So, yeah, it's just... I think the general, this thing, right? So, when people look at statistics and averages and stuff like that, so, abhi wo bracket ho gaya hai na, ki Sena averages kya hai. Whereas, I would say ki pichle 3 saal mein batting in Australia is far easier than batting in West Indies. Kyunki Duke's ball use ho raha hai, they have a decent pace attack and stuff like that. But that would never be accounted for in when people look at these filters. So... I personally think it's more difficult to bat in England and India compared to batting in Australia. Or like India, agar aapne do countries uthane hain to measure someone's caliber, to aap chalo aap South Africa bhi dal do. England, South Africa aur India are like the places jahan aapko pata chalta hai ki haan yaar is bande ko batting aati hai, isne in teenon jagahon pe score kiya. ऑस्ट्रेलिया तो हट जाना चाहिए उसमें से, दैट्स फॉर श्योर. लाइक ऑस्ट्रेलिया में एमसीजी और एसटीजी के रन्स जो है ना, दे आर इवन एडलेड जब से वो डे नाइट टेस्ट मैच होने लगा है, दे हैव स्टार्टेड लीविंग अ बिट ऑफ ग्रास पिछले 2-3 सालों में. बट ऑफ लेट लाइक एमसीजी एंड एससीजी हैव एब्सोल्युटली नथिंग इन. बाय द वे, ये दोनों सीरीज में वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान में एक एक डे नाइट है या अब तो कुछ फर्क नहीं पड़ता? बट हाँ, बट हाँ, अब तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना. In fact, one thing that they should be doing is, ab kya farak padta hai? Pura test series ping ball se khelo, so that it allows you lights to, and it allows you for lights to be used, na bad actually, light. Oh man, wo to uspe to hum ek alag pod kar sakte hain. This fucking matlab the scheduling and the somehow ye itne stringent kyun hai yaar? Ki abhi tea leni hai, abhi lunch karna hai. Matlab what the heck is this? So. Such a waste of time. It's called a regressive attitude, which is why like cricket aaj bhi wohi 9 countries khelte hain jinme se aadhi countries South Asian hai. And even like yaar personally Australia bhi main jab se aaya hu itna koi craze nahi hai cricket ke bare mein. Like people want to go and enjoy the experience. But like no one's really into like your average Australian won't be into like cricket so much. Wo zyada rules jo zyada entertaining sports samjhe jaate hain yahan pe, wo rules football aur rugby samjhe jaate hain. Cricket aise hi wo kehte hain ye to chutiya game hai. Even tennis, man, tennis is big in Melbourne. Matlab kuch zyada hi. But aisa hai ki summer mein peak hota hai interest ya, or is it like not even that? Matlab summer, say the Aussie summer begins. Summer mein hota hai, like mein peak in interest hota hai. They do get full crowds though. They do get full crowds in test matches. They do get full crowd because it's the summer, and you know you go out. MCG or SCG, they're like beautiful grounds. Like especially MCG is like like an amazing ground to be in. So they go for the experience, of course. But yeah, like if you compare it against rules football. Rules football is more popular here, like clearly. It's even NRL, National Rugby League, is more popular than cricket. Cricket, log kehte hain, haan, theek hai, like, ab summer mein jaake dekh lo, whatever. But they don't passionately follow it the way they follow other Australian sports. But dono England aur Australia mein yehi see rahe na, ki the cricket demographic turns out to be this middle-aged or old white man. No, but yeah, but still, it is popular enough because jab ye sandpaper gate hua tha, like the prime minister, the bloody prime minister actually made a statement. So, aisa sirf Bangladesh mein hua hai ek baar, jab wo Mushfiqur ne bola tha, wo no ball pe out de nahi diya. Sheikh Hasina ne kuch bol diya tha, but other than that. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन बिकॉज इट्स स्टिल द मोस्ट लुक्रेटिव स्पोर्ट इन द कंट्री. लाइक AFL प्लेयर्स इतना पैसा नहीं कमाते जितना क्रिकेटर्स कमाते हैं. क्रिकेटर्स आर जस्ट लाइक मोर पॉपुलर अमंग सेलिब्रिटी. लाइक क्रिकेटर्स आर बिगर सेलिब्रिटीज, पर जो लाइक रेगुलर टीनेज यपीज, लाइक जो 20-somethings, 30-somethings हैं, उनमें लाइक क्रिकेट इज नॉट सो पॉपुलर. लाइक especially जो white Australians हैं,
they're more into like surfing and like freaking rules football and all that stuff. क्रिकेट आप ये भी तो देखो ना कि जब से बिग थ्री हुआ है तो बिल्कुल ही मतलब आपने स्केड्यूलिंग ऐसी कर दी है कि बाकी कंट्रीज और मार्जिनलाइज हो गए हैं. तो पीपल आर लाइक ओ ओनली थ्री कंट्रीज रन द शो नाउ सो व्हाई इवन बॉदर. लाइक आई हैव बीन वाचिंग क्रिकेट फॉर अ व्हाइल सो इट डजंट अफेक्ट मी द वे. लाइक अगर मैं 18 साल का होता नो या यू आर राइट एग्जैक्टली सो आई वुडंट लाइक फक इट मैन लाइक बोरिंग सीन है. So that plays a big role. Or like kis tarah ki administration aapki regressive si ke a bad light ki wajah se play khatam kar do jabki aapke paas floodlights hain to people would be like exactly what the fuck. Even when we were talking to yada aditya when we talked to rob yeah, Linda, so he was saying the same thing na ki matlab jab bhi tv on karo india sri lanka ho raha hai kya dimag kharab highlights nahi. And 90s mein the reason we fell in love with the sport is also partly because ki the colors and the variety right ki kuch bhi nahi to as a child you want to watch like koi colorful jersey mein koi bhi team khel raha hai. You felt like watching it under lights. Or even the Australian summer ka bhi jo structure tha that it would culminate with that tri-series and stuff like that. That spectacle is what was, and every year you get a different combination of three sides. And so I think that I don't think anyone growing up now will get to watch that. Har saal wahi. In fact, what happens is ki England aur Australia ke beech mein, in fact India Australia se zyada, England and Australia play 5-match and 7-match one day series for no reason. Aisi outside of the Ashes. तो कोई एक समर होगा जब ऑस्ट्रेलिया विल फ्लाई ऑल द वे डाउन टू इंग्लैंड प्ले 7 ओडीआईज एंड कम बैक. कुछ भी नहीं होगा उसमें. व्हिच इज अ मोस्ट पॉइंटलेस काइंड ऑफ अ सीरीज. व्हिच इज अ फक ऑल थिंग टू डू. लाइक आप इंस्टेड ऑफ लाइक चूतियों की तरह 7 ओडीआई खेलो, आप एक दो और टीम्स बुला लो. आप श्रीलंका को बुला लो, आप पाकिस्तान को बुला लो, आप किसी को बुला लो और आप एक ट्राई सीरीज खेल लो ताकि लोग जरा एक्साइटेड तो हों कि वो रोज वही 22 चूतिए फील्ड पे आ जाते हैं और आके वही चार लोग रन करते हैं, पांच लोग विकेट लेते हैं और एंड पे भैंचोद लाइक 4-3 कोई जीत जाता है और सब तालियां बजाते हुए घर चले जाते हैं. लाइक व्हाट द फक. 4-3 भी नहीं जाता है. द प्रॉब्लम विद दिस सीरीज, नहीं द प्रॉब्लम विद दिस सीरीज इज फॉर 4-3 वाला सीरीज बहुत रेयरली होता है. यू मोस्ट ऑफ द सीरीज आर लाइक 4-5-2 हां 6-1 ऐसी सीरीज हो रहा है. होम साइड जीत जाता है मोस्टली. एंड जस्ट लाइक अ पॉइंट के we have more memories from the triangulars and the tournaments than we have from these stupid bilaterals. Aapki kya memories bhi of course there is no context na. Bilateral ka koi context hi nahi hota hai. Like nobody remembers ki tum kuch kitne bhi wo kar lo. The only nahi, main ek hypothetical scenario deta hu. Abhi ye season mein England mein do touring teams hai na, West Indies aur Pakistan. Forget COVID and the biosecure scenario and stuff like that. Imagine a setup like this and an opportunity to have a tri-series between England, West Indies and Pakistan, right? Both England and West, both Pakistan and West Indies draw crowds in England, wo to pata hi hai. Sure, yeah. Right, and even a neutral game between Pakistan and West Indies will not go empty in England. Yeah, definitely. World Cup mein dekhte hai na hum log. And how often does a crowd in England get to watch India or Pakistan? Once in 4 years, right? So, subcontinent sides ke sath to ye guarantee hai ki ye tri-series mein crowds aayega hi aayega. Australia ka pata nahi mujhe, but England mein... Aayega. Australia also have a lot of expats. Australia mein bhi tha, like when I went to SCG to watch Pakistan-Australia, to bahut zyada Pakistani crowd aaya hua tha. No, I'm saying England mein agar koi aisa NatWest jo pehle hota tha, uska equivalent koi tri-series abhi ho, West Indies-Pakistan jaisa koi match mein, it will definitely be a full house. Especially if you schedule it at Leeds or Birmingham. But I think the economics that is driving it is the TV wali na. TV. And that's the sad part. Like someone like the Indian team, the reason why they fail in like crunch finals or like in big games, isliye ke sara time bilaterals khelte rehte hain, to usme aap pe like triangular tournaments mein ye hota na ki yaar ye must win match hai. Is match ko jeetenge to final mein pahunchenge. Like there's no fucking final like bilateral. Yeah. I mean, you desert storm type. Yeah. We have discussed this before. It's like ki bilateral mein top three aake hamesha, you know, pura kaam kar dete hain.
एंड व्हेन इट रियली रियली मैटर्स तब फिर 4-5 नहीं और जिस दिन टॉप 3 फेल भी हो जाता है एंड द सीरीज इज नॉट ऑन द लाइन यूजुअली वो टॉप 3 फेल हो गया तो हो भी क्या जाता है यू लूज लाइक द 6th मैच ऑफ अ 7 मैच सीरीज और वो कोई मायने नहीं रखता है ना वो पूरे सीरीज में कॉन्टेक्स्ट कुछ है नहीं उसका तो दैट फेलियर डजंट काउंट फॉर एज मच एंड इवन इफ यू थिंक ओडीआईज में उतना क्राउड नहीं आएगा तो आई जस्ट डू फकिंग टी20 लाइक अ ट्राई नेशन और व्हाटएवर it will take somebody to disrupt this जैसे 90s में like for all the blame we put on BCCI Jagmohan Dalmia disrupted the way international cricket was played Champions Trophy का जो early concept था that was Dalmia's idea right the mini World Cup जो पहला दो हुआ था which was Dalmia's original idea was a really great idea to play it in one of the smaller centers and make money for the ICC so it had a particular purpose and it differentiated it from the World Cup Dhaka में जो पहला वाला हुआ था and the second one which Nairobi. happened in Nairobi Nairobi both were huge successful tournaments even Sri Lanka वाला भी although the final was a damn script but still but Sri Lanka वाला at least it went back to the big nations ना मतलब conventional cricketing nations but my idea is that the idea of that but it was still a knockout like tournament जो मुझे अच्छा लगता था अब की तारीख में क्या हो गया कि एवरीथिंग हैज एंडेड अप बिकमिंग द सेम यार चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में हार्डली कोई फर्क है मुझे तो, ऐसा ये भी लगता है ना बिकॉज़ ऑफ इंडियाज डोमिनेंस नॉट नॉट प्लेइंग वाइज बट मार्केट वाइज और आई डोंट नो दिस इज अ वेरी ब्रॉड एंड प्रोबेबली इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू मेक बट इंडिया की टीम इंडिया की जो ऑडियंस है दे डोंट केयर अबाउट what like the level of cricket they just want to see their team winning see most people do that but still there is an appreciation na jab tum dekho india jab england ya australia khelne jati hai to the crowd is knowledgeable in the sense that they appreciate fighting you know kohli 50 or something india mein sannata rehta hai yaar like very very few people actually aaj some people they started appreciating jaise ab de villiers ha there few very like gail de villiers yeah, and gail, a couple others will get that but not like agar aise temba bavuma ke aise ek fighting 100 banayega na to like it will be stunned silence in india like nobody is going to appreciate जैसे आई वॉज इन द क्राउड फॉर दैट केपी 183 वो जो टेस्ट मैच जीता था इट वॉज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स अमेजिंग अमेजिंग रैंक टर्नर एंड नॉट अ बैड बोलिंग अटैक प्रज्ञान ओझा वॉज बोलिंग वेल एंड अश्विन था दूसरा बोलर एंड जहीर एंड ईशांत डिसेंट अटैक एंड अ रियली गुड इनिंग्स स्टंट साइलेंस मतलब नो एप्रिसिएशन मतलब वो पता नहीं वो कब आएगा I don't know how whether it will even happen so imagine if this is happening in a game when India is actually playing तो फिर neutral में तो तुम भूल ही जाओगे but what about the knowledgeable Chennai crowd तो सारी चीजें Chennai में होंगे but KCC no KCC there is a term for this yeah so coming back to this test match any predictions I think I can see Stokes I can see Stokes really crushing it. Like, a lot depends on Stokes. If Stokes fire kar gaya, I think two players are very important. Hain, Joe Denley and Stokes. If these two fire kar gaye is innings mein, you think even now they have... You think they have a chance even now? Like, they're 100 behind with... I think just na Stokes, like, he took 4 wickets in the first innings and... cleaned up the tail, like finished the innings off. So I feel like Stokes ka scene, Stokes jo hai wo, like he's like a big match player, so he's going to raise the bar. If he does raise the bar, phir England might end up winning. If let's say England score like 250, no, like 300, so phir West Indies ke liye mushkil hoga to chase like 180. Nice over target. इवन अगर लाइक 180 मुझे लगता है वेस्ट इंडीज के लिए 150 भी मुश्किल है हाँ वही ना कि 170-180 से ज्यादा का टारगेट वेस्ट इंडीज नहीं चेस कर पाएंगे तो दैट वुड बी लाइक एन प्लेइंग फैक्टर बट राइट नाउ आई थिंक लाइक इट्स लाइक 70% वेस्ट इंडीज एंड 30% इंग्लैंड So, which is interesting because ये जो क्रिक विज जो बीच बीच में स्टैट्स और प्रेडिक्शन सिखाता है उसमें इट वॉज सेइंग 40% इंग्लैंड 39%
वेस्ट इंडीज एंड 21% ड्रॉ. हाँ नहीं ड्रॉ तो नहीं होगा क्योंकि देयर इज अ रीजन क्योंकि आजकल के टेस्ट मैचेस में ऑफ कोर्स हां टीम्स डोंट प्ले आउट. नो बट क्विज का स्टैटिस्टिक्स वुड मोस्टली बी कंसीडरिंग लाइक ऑल द हिस्टोरिकल. एग्जैक्टली इट टेक्स ऑल द हिस्टोरिकल डेटा दैट्स व्हाई इट्स लाइक दैट. सो इट्स अगेन लाइक वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है बिकॉज़ दे आर नॉट कंसीडरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो अ लॉट ऑफ दीस डेटा सेट्स शुड ओनली कंसीडर लाइक last maybe they consider the last 5 years. Someone should correct us if that is the case. Yeah, but mujhe abhi bhi lag raha hai ki I think England I guess is slightly ahead mere liye. Oh, having watched the kind of test matches that happen in England of late, touring sides like losing out in the fourth innings, slightly uncomfortable. Like 150 agar target ho jayega na West Indies ke liye, to I can see them collapsing on the last day. Yeah, you're not wrong, but I still think West Indies are ahead. और मुझे Stokes से ज़्यादा Butler का वो लग रहा है, because if he, I think he has that knack कि वो tail के साथ शायद he might be able to be aggressive and take the lead. मतलब वो 150 का 200 target वो कर सकता है. But I still think West Indies are ahead. ये थका हुआ जो विकेट है ना, मतलब आई हैव अ फीलिंग कि कल सुबह आके फिर ये टॉप थ्री इज सो हार्ड टू वॉच यार ये लोग. अरे भाई इट्स लाइक हॉरिबल. डोंट यू गाइस थिंक लाइक जॉनी बेस्टो इज लाइक बेटर देन लाइक दीस क्रॉलीज एंड सिबलीज. वैसे टेक्निकली है तो हां, कंपेयरिंग टू डेनियल एंड क्रॉली यस. नहीं वॉचेबल तो है बट आई थिंक बेयरस्टो हैज फेल्ड अ लॉट. मतलब वो बहुत बोल्ड और एलबीडब्ल्यू होने लगा. और उसका एक द वन रीजन दैट आई हैव रेड अ लॉट अबाउट बेयरस्टो इज दैट समहाउ ही इंसिस्ट्स दैट ही वांट्स टू कीप इफ ही इज प्लेइंग कीप एंड ऑब्वियसली एंड ही इज नॉट एज गुड एज बटलर व्हेन ही इज कीपिंग. सो वो हिमेश रेशमिया की तरह हिमेश रेशमिया कहता था ना कि अगर कंपोज कराना है तो एक्टर भी रखो, एक्टिंग भी कराओ मुझसे. हाँ तो उसका वैसा सीन है बट वो काफी टेस्ट क्रिकेट में ही हैज एक्चुअली फ्लॉप्ड अ लॉट लास्ट फ्यू इयर्स. तो उसकी वजह से बट एंड विदाउट रूट मुझे ऐसी ज्यादा होप है नहीं. लाइक इवन इफ दे आर 80 फॉर 1 और समथिंग आई कैन इजीली सी देम 120 फॉर 5. आई होप लाइक मुझे ऐसे लग रहा है अल्जारी जोसेफ को विकेट मिलेगा ऐसे नहीं. He was actually looking good in the first inning. मतलब एक दो बाउंसर मारा है उसने लोअर ऑर्डर को. He is actually increased in pace, Joseph. Yeah, he has. And a lot of fast bowlers are looking a lot quicker. हाँ, वो भी एक चीज़ है जो इस टेस्ट मैच में मैंने देखा है. Even Anderson. Oh, Anderson तो like he's वापस मतलब he's de-aging or something. हाँ, 136-137 सब touch किया, which I have not seen Anderson do that of late. So, this is another feature we might see. Like cricket had become so jaded and it was happening every other week. कि the physical side of the game I don't think was at its peak. Probably ye season mein wo bhi dekhne milega. Either that or you'll see a lot of fast bowlers having no tempo. I noticed that in English football too. I noticed that in English football too. Oh. Like players look like fitter and like stronger. Like usse hi lag raha tha ki koi athlete hai screen pe. Compared to wo Mariel har hafte football khelne wale. Jimmy is looking muscular. नहीं इससे मुझे याद आया लाइक रिसेंटली आई डोंट नो इफ इट वाज सो आई सॉ अ फोटो ऑफ इमाद वसीम विद मुश्ताक अहमद एंड समवन. ओ माय गॉड. सो या सो ही वाज नो नहीं तो उसका टाइटल ये था. सो समबडी द पर्सन हु हैड पोस्टेड इट वाज आस्किंग कि ओ माय गॉड यू नो लुक एट हिज फिटनेस लेवल्स एंड ऑल दोस थिंग्स. ये क्या है मतलब बिल्कुल भी फिट नहीं लग रहा है. एंड समबडी सेड व्हाई इज इमाद वसीम स्टैंडिंग विद द स्पिन कोच ऑल ही डज इज बॉल इन स्विंगर्स इन स्विंगर्स करके. वो तो खैर एक और ही डिबेट है. लाइक यासिर शाह का भी आई थिंक इनकी कमीजों की फिटिंग ठीक नहीं. आई मीन जस्ट फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस लाइक मैं 2 हफ्ते अगर अपनी डाइट ठीक रखूं और एक्सरसाइज करता रहूं तो लाइक आपका पेट अंदर चला जाता है. लाइक इवन लाइक इमाद वसीम एक्चुअली या इफ यू आर जस्ट लाइक वॉकिंग एंड रैंडमली जस्ट डूइंग रैंडम एक्सरसाइजेस तो हो जाए. मतलब यू डोंट नीड टू बी लाइक ऑन अ शेड्यूल. यू कैन मैनेज इट. तो ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं. इनकी प्रॉपर बेयर बेली है. लाइक ये तो वो है कि पेट से बिरयानी नजर आ रही है आपको.
biryani, tikka kebab, naan, shorbe wali kadhai, pizza burger. ये सेवाग के बारे में किसी ने बोला था, सेवाग के बारे में किसी ने तो बोला था ना कि सेवाग लंच में जाके पूरा खा के एंड में गुलाब जामुन जब जॉन राइट ने एज अ कोच ज्वाइन किया था, बिफोर दैट इट वाज दिस कल्चर कि टी में एकदम लिटरली ऐसे चाय समोसे चल रहे हैं. नहीं नहीं, ये जॉन राइट के जो मेमोयर में उसने लिखा है. एंड द फर्स्ट थिंग ही सीज इज लाइक देयर आर दिस बंच ऑफ बैट्समैन, नेट सेशन शुरू होना था बट दे आर सिटिंग अराउंड अ टेबल और वहां कोई चाय ला रहा है समोसे और पार्ले जी के साथ. तो वो चाय और बिस्किट आ रहा है एंड दे आर ईटिंग दिस. तो जॉन राइट फर्स्ट कम्स एंड आस्क देम कि क्या चल रहा है हम पे, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन. मतलब नेट सेशन है बट उसके पहले ये होता है हमारे यहाँ पे. देन ही गेट्स लाइक नेहरा जी एंड पीपल टू डू लाइक फोर लैप्स ऑफ द ग्राउंड एंड स्टार्ट ऑफ विद दैट. तो वो that's a quite a revealing book, matlab entertaining. Hanera used to complain about, not complain but he used to say ki jab John Wright aaya to usne to kaan hi pakadwa diya na ki subah pot pe baithna mushkil ho jata tha, aap itne shor hote the mushkil ho jata tha. And it's like what he was trying to like say ki it's not that exercise he made them do, it was their shitty diet जिसकी वजह से उनकी रिकवरी ठीक नहीं होती थी. Also that even just like this guy Greg Chappell is vilified a lot, but part of the problem with Greg Chappell was cultural, right? Greg Chappell को, if you see a lot of stuff that Greg Chappell used to do, it was like kit bag उठाने के लिए कोई होता था इनके पास. That is a lot of the same brown people thing na, matlab thing na. So the senior cricketers would have someone getting their kit bags for them. So Chappell tried to stop all of that and it became like a huge cultural thing. Khaskar that's why Ganguly probably didn't like him as much. Like Ganguly was matlab no, he was not just 1%, he was 1% of the 1%, matlab wo us category se aata hai. So this is something unpopular, but if we look at actually how players performed after Chappell left, a lot of players ended up improving. Like Zaheer was woefully out of shape. Jab Zaheer first 3 years was lean and quick, right? Around 2006 he started becoming flabby. Jab wo Pakistan mein ek tour tha 2006 mein, super sub series wala, Zaheer was actually out of shape. Chappell ne bahar bitha ke a lot of these players actually got back to shape and then they got back their form. It was Sehwag, Zaheer, Harbhajan, सबके साथ हुआ था ये. He ruined Irfan's career probably, but apart from that, I think Chappell का I don't know it's as black and white as people think it is. By the way, Irfan का career shortened जरूर हो गया होगा. I don't think it's ruined. Like he had some amazing moments, but हाँ. Irfan का career उसके बाद भी World T20 और सब में था. पर लाइक इरफान का करियर आईपीएल में तो चैपल ने नहीं खराब किया था ना, लाइक ही जस्ट वेंट डाउनहिल. दैट इज ट्रू. आई थिंक विद इरफान इट वाज जस्ट लाइक ही वाज अ मिलिट्री मीडियम फास्ट बॉलर. तो इंस्टेड ऑफ उसने अपने पेस इंक्रीज नहीं की. No, and I was just saying कि बहुत से प्लेयर्स उसमें यू नो हु हैड पोटेंशियल इन ओडीआईज एंड टेस्ट, they just didn't know what to do in T20s and they didn't realize what hit him. Matlab aise Gale aake aise uda raha hai, De Villiers scoop kar raha hai and all. So they had no answer to it. Because I remember it was semi-final IPL ka ya kuch to tha jisme Dhoni took apart Irfan like anything. It was a qualifying game. Jo jeetna tha CSK. And he just murdered him. इरफान बाय दैट पॉइंट हैड बिकम लाइक अ लेफ्ट आर्म स्पिनर. जबकि इरफान का क्लेम टू फेम इन हिज फर्स्ट सीरीज वाज वो गिलक्रिस्ट का एक बोल्ड किया, एक रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर में एक बोल्ड किया था गिलक्रिस्ट को. स्टीव वॉ इमीडिएटली बैक टू बैक. उस टाइम पे ही हैड पेस व्हेन ही केम, मतलब लेट 130s 140s. But by the time वो number 3 batting करने लगा तब तक तो वो चला ही गया था. Another guy who lost his pace was Munaf Patel. I was about to say that. Yeah. वो भी Chappell के time. Chappell made him into this line and length bowler. मुझे लगता है ये MRF Pace Academy.
MRF पेस एकेडमी में जो भी जाता है वहां उसका पेस रख लिया जाता है, उसके बाद वो पेस पेसलेस होकर बाहर निकलता है। मुनाफ जब डेब्यू किया था तो मुनाफ का पेस वाज मुनाफ का पहला दो विकेट इज लाइक पीटरसन और फ्लिंटॉफ को यॉर्कर्स में निकला था। मुनाफ के पास पेस था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू देम आफ्टर अ सीजन, वो अभी भी चेंज हुआ है आई थिंक विद द कैप्टन एंड स्टफ लाइक दैट। We'll wrap it up and hopefully if the next 2 days go, you know, the way we are predicting, kyunki, I mean, अरे संडे आखिरी दिन है तो आराम से मतलब honey, I hope it gets should, exciting. It should survive. Yeah. And it should go all the way till the last session. Hopefully. Sunday ke liye. This is one thing about England na, ki jab especially jab India khelta hai and then you look forward to a Sunday. इनवेरिएबली उस संडे को या तो बारिश होता है या फिर सैटरडे रात को इतने विकेट गिर जाते हैं कि सैटरडे रात को 5-6 विकेट गिर जाते हैं कि अगले दिन कुछ होता ही नहीं। सो होपफुली इट डजंट एंड दैट वे। ऑलराइट, सो विद दैट इट्स अ रैप।